साहू जी का जो ये फोरम क्रिएट करते हैं बड़ा अच्छा सा, जिसके अंदर कुछ वार्तालाप और कुछ हम लोग आपस में बातचीत कर पाते हैं, और कुछ ऐसे विषय मुद्दे वो लेते हैं जो हम सब के बड़े रेलेवेंस के हैं, कंसर्न के हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक साहू जी। इस फोरम पे मैं कुछ अपने विचार ही व्यक्त करना चाहूँगा और कुछ बताना चाहूँगा कि जो कुछ हो रहा है और जो कुछ करना है आज की तारीख में। क्योंकि मैं डिफेंस फोर्सेस फाइनेंशियल एडवाइज़र इंडियन आर्मी का हूँ, तो मैं एक चीज़ जो लाना चाहूँगा और कहना चाहूँगा, डिजिटल इंडिया के अंदर हम सब लोग डिजिटल इंडिया का फ़ायदा तो ले रहे हैं, लेकिन एक बेसिक सा कुछ जिसे कहा जाए जो एक जड़ होती है, रूट्स होती हैं, कि हम क्या ओनर हैं या हम सिर्फ यूज़ करने वाले हैं। अगर आदमी जैसे कार में बैठता है तो कार का ओनर है या कार का या कार में ड्राइवर है। जब मैंने DTC जैसे बताया उन्होंने, जब CNG में 2001 से 2003 में जब मैं DTC को CNG कन्वर्शन का बहुत बड़ा एक वो देख रहा था मुद्दा, तो उस समय एक PIL फाइल हुई हाई कोर्ट में, जिसमें ये कहा गया कि साहब दीज आर लाइव बॉम्ब्स ऑन द रोड, क्योंकि एक DTC के बस के नीचे जो है 15 सिलेंडर CNG के लगते हैं और एक सिलेंडर का डेड वेट जो है वो 15 किलो था और उसके अंदर 15 किलो की गैस 30 किलो का सिलेंडर हो गया, 300 किलोग्राम के आसपास का डेड वेट। तो DTC के बसों के जो टायर और ट्यूब्स थे वो बस होने लगे, गर्मियों में चलना मुश्किल हो गया। तो फिर ये हुआ कि साहब अगर ये DTC के बसें जो है बस्ट होने लगेंगी तो यहाँ पे एक तरह से जो है कोहराम मच जाएगा, मेहम हो जाएगा। उसके बाद मैंने हम दो कमेटी बनी जिसका मैं चेयरमैन था, एक वन ऑफ द बस बॉडी और दूसरी थी ऑन द बस चेसिस। मेरी कमेटी की मोटी रिपोर्ट हाई कोर्ट में फाइल हुई, डबल बेंच था, और उसके बाद जो है वो DTC के उसमें जब टाटा ने कहा कि साहब वी आर हैविंग द कोलाब्रेशन विद द वर्ल्ड लीडर्स कमिंस, इट्स अ टाटा कमिंस, और लेलैंड वालों ने कहा कि साहब वी आर विद द इवेको, बोथ आर वर्ल्ड लीडर्स, साहब ये तो जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट तो ऑपरेटर की है, ये मैन्युफैक्चरर नहीं है। जज साहब ने डबल बेंच ने पूछा कि साहब, हमने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साहब, हम ऑपरेटर हैं, हम मैन्युफैक्चरर तो नहीं हैं। ये ज़रूर है कि हाँ हाइड्रोजन सेल की बस भी हम जो है उस पर भी हम ट्राई कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, काफ़ी कुछ। मैंने उनसे सिर्फ इतना ही फिर रिक्वेस्ट किया ऑनरेबल कोर्ट से कि साहब ये कितनी बसें चल रही हैं वर्ल्ड में, टाटा कमिंस की और या लेलैंड की या इवेको की। तो उसमें बताया गया साहब शिकागो के अंदर 250 बसें हैं और कुछ शंघाई वगैरह में बसें थी। मैंने ये ऑनरेबल कोर्ट कहा कि साहब मेरी 2500 बसें चल रही हैं, एक बस में आग लगी, दूसरी में आग लगी, तीसरे में आग लगी, और इस बस के अंदर जो गैस बर्न होती है वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है और एक बस को पूरा जलने में सिर्फ 120 सेकंड लगते हैं, 120 सेकंड मीन्स 2 मिनट्स, और अगर एक आदमी उतरने के लिए अगर 25 से 30 सेकंड लेता है और अगर 20 या 25 आदमी बैठे हैं तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितने आदमी जल जाएंगे। वेरी गुड जजमेंट वॉज गिवन बाय द कोर्ट, इफेक्ट मीन्स यू आर ए बस ऑपरेटर, यू आर नॉट बस मैन्युफैक्चरर, व्हाट दे से इज करेक्ट, आपकी रिपोर्ट को हम नहीं मानते। बट वन मोर फायर एंड वन मोर कैजुअलिटी, उन्होंने दोनों मैन्युफैक्चरर की तरफ देख के कहा कि मैं आप दोनों के आपके CMD को पुट बिहाइंड बार्स। नेक्स्ट डे बोथ द टाटा एंड लेलैंड वर विद मी, और जो पुरानी बस अभी भी चल रही है जिसके अंदर पीछे वो पानी का पाइप देखते हैं वो सब मेरी टेक्नोलॉजी है, और उसके बाद उस पुरानी बसों में किसी में एक भी आग नहीं लगी और जो नई वाली टेक्नोलॉजी है उसी पे स्टेबलाइज हुई है। नाउ माई व्हाट आई वांट टू से इज, हम लोग कब तक चलते रहेंगे? जैसे हवाई जहाज होता है एक रनवे पे, कलम ने देखा कि उतरा है, ये हवाई जहाज अगर लगातार दौड़ता ही रहे और उड़े ना तो वो कहीं आके जाके टकरा जाएगा। तो डिजिटल इंडिया का एक पार्ट है कि उसको यूज़ करना, ये इतना बड़ा देश उसमें किस तरह से आगे बढ़े, लेकिन जो बेसिक चीज़ है, जड़ है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वो मिसिंग है, कहीं नहीं है। जो भी क्वेश्चन पूछा सर्टिन का बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है, ना सर्वर यहाँ बनते हैं, ना डेस्कटॉप लैपटॉप, सारी डिवाइसेस
कोई भी चीज़ यहाँ पे ऐसी नहीं है जो यहाँ बन रही हो, हर चीज़ इम्पोर्टेड है। मैंने बल्कि अभी टॉप मोस्ट अथॉरिटी को अभी ये भी लिखा है कि साहब हमारे भारत सरकार के ही जो ऑफिसेज हैं, संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, DGSND है, वो विदेश के बने सामान को प्रमोट करने की संस्थाएं बन गई हैं। DGSND के अंदर जिनके रेट कॉन्ट्रैक्ट हैं, चाहे वो आपके डेस्कटॉप के हों, MFDs के हों, प्रिंटर्स के हों, या आपके जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स के हों, सारे के सारे कहाँ बन के आ रहे हैं? बाहर से आ रहे हैं। DGSND उनको हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर प्रमोट कर रहा है, वही उसको रेट कॉन्ट्रैक्ट पे करके बेचता है। अगर ये चीज़ हमारे डोमेस्टिक हिंदुस्तान के मैन्युफैक्चरर को ये फैसिलिटी मिलने लगे, एक ही सिर्फ सिंपल सा कोर्स करेक्शन पॉलिसी में कर दें कि DGSND सिर्फ उसी को बेचेगा जो देश में बना हो, या 80% तो कम से कम देश में बना हो, यहाँ तक कि जितने मैन्युफैक्चरर हैं, सभी को मालूम है, चाहे HCL है, विप्रो है, सब ने अपनी दुकान बंद कर दी, चाइना से आउटसोर्स कर रहे हैं, यहाँ पे असेंबल कर रहे हैं। तो जब अगर ये डिजिटल इंडिया के अंदर लोगों को मोबाइल फ़ोन पे बात करनी होगी, जब पेट में खाना नहीं होता तो कुछ नहीं होता, जब पैसे खरीदने को नहीं होंगे तो वो बात क्या करेंगे? तो पहले कम से कम इस डिजिटल इंडिया का हम वो वाला फेस ज़्यादा तेज़ी से शुरू करें। एक साल मैं एक ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर निकल भी गया तो कुछ, और नीति आयोग के, क्योंकि मुरली जी बैठे हैं, मैंने उनसे कहा कि इनकी मीटिंग थी, मैंने कहा जरा इस बात को जरूर मैं आप कहना चाहूँगा कि मैन्युफैक्चरिंग के रेवोल्यूशन 17, 18, 19वीं सदी का हमने मिस कर दिया, लेकिन कम से कम ये मेक इन इंडिया का फ़ायदा उठा करके अब तो मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर लें, अब तो कम से कम अपनी पॉलिसीज़ वो WTO के हिसाब से या ट्रेड एंड टैक्सेस की इस तरह की ना रखें कि विदेशी आकर के अपना सामान बेचें। हिंदुस्तान सिर्फ एक मंडी बन गया है सामान खरीदने की और यूज़ करने की, बनाने की नहीं। और मैं तो जब ये देखता हूँ कि खुद मैंने उस लेटर में ये लिखा कि जब मैं अपने हाथ से कंकर करता हूँ, अप्रूव करता हूँ प्रपोजल्स थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के, जो कि सिर्फ DGSND बाहर से ला के यहाँ बेच रहा है, अगर वही मार्केट हमारे लोगों को मिले। मेरा दूसरा कहना भी है, मेरा मैं ऐसा लग रहा होगा कि जैसे मैं बहुत ज़्यादा कुछ स्वदेशी के अलावा प्राइवेट कंपनी के खिलाफ की बात कर रहा हूँ, मैं दूसरा कहना है, जितने भी प्राइवेट कंपनी है, ये प्राइवेट कंपनीज भी क्यों नहीं इस समय मौका उठा करके अपना वहाँ से एक जो कस्टम्स की जो बाउंड्री बनी हुई है, इम्पोर्ट करने के बजाय यहीं मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दें। क्यों यहाँ की सारी इंडस्ट्री जा करके, यहाँ की इंडस्ट्री जा करके आज की तारीख में चाइना में जाके लग रही है, चाइना से सोर्स करके फिर यहाँ पे वापस ला रही है। एक वर्ड है एवोल्यूशन, उसके आगे R लग जाए तो रेवोल्यूशन। कम से कम यहाँ पे इस मेक इन इंडिया के अंदर वो रेवोल्यूशन ही आ जाए कि सामान बनना शुरू हो जाए। मैं तो जब देखता हूँ, जब मैं सर्टिन को शायद मालूम होगा अभी जो वहाँ के जो बैठे हैं अधिकारीगण, कि अभी एक कुछ किसी एक मिनिस्ट्री का इन्फॉर्मेशन जो था किसी सर्वर पे बाहर इंटरनेट के द्वारा जाने लगा, जिसको कि जो है फिर बाद में जब तक रोका गया तब तक काफ़ी कुछ हो चुका था। तो कौन से सर्वर्स जिसके अंदर आज की तारीख में एम्बेडेड सॉफ्टवेयर हैं, कहाँ किस समय कैसे किसकी कमांड पे चलने लगेंगे, हमको जब तक मालूम नहीं होगा जब तक कि हम खुद मैन्युफैक्चरर ना हो। और हिंदुस्तान की फौज आर्मी के लिए तो मैंने बड़ा ई प्रोक्योरमेंट अब मिनिस्टर डिफेंस में जरूर शुरू करवाया है, लेकिन अब मेरा दूसरा स्ट्रेस ये है कि हर चीज़ वो खरीद जाए जो इस देश में बने। हम लोग सिर्फ एक उस तरह के डिजिटल इंडिया के माध्यम से बाहर के सॉफ्टवेयर, बाहर के हार्डवेयर और बाहर की टेक्नोलॉजी और बाहर की नेटवर्किंग, ठीक है हम सब कुछ जो है आज की तारीख में कर रहे हैं, अगर हम रशियंस को जो है हिंदी सिखा सकते हैं हिंदी गानों से, तो क्या अब हम जो है अगर ये अपना यहाँ पे मोबाइल फ़ोन के द्वारा और इसके द्वारा अगर डिजिटल इंडिया को अगर हमने पढ़ाने को और उसको आगे बढ़ाना है, तो बड़ा आराम से हम जो है अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग करके भी कर सकते हैं। जितने गेम्स वगैरह हैं उनके द्वारा भी डिजिटल इंडिया लोग कंप्यूटर इलिटरेट हो जाएंगे। अगर आदमी कंप्यूटर इलिटरेट भी है या नॉर्मल इलिटरेट भी है, तो ये नहीं कि उसको पैसे गिनना नहीं आता है, नोट उसको सब सिखा देते हैं। बिल्कुल इलिटरेट आदमी भी जो है वो अगर 100 रुपये में कितने का सामान खरीदा और कितने का उसको पैसे वापस मिलने, वो उसको मालूम है, चाहे उसको 1, 2, 3 की गिनती नहीं आती हो या उसको टेबल्स ना आती हो। तो डिजिटल इंडिया का जो एक स्वरूप ये हो गया है कि हम सब कंप्यूटर या कंप्यूटर रिलेटेड या मोबाइल रिलेटेड, इन सब चीज़ों में जो है हम
आगे बढ़ सकें। मेरा कहना है गेहूं जब ही लगेगा जब गेहूं का पौधा होगा। खाली गेहूं अगर आटा खाने लगेंगे और गेहूं के पौधे नहीं लगाएंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी जब वो आटा बाहर से नहीं आएगा तो भूखे रहना पड़ेगा। सेमीकंडक्टर रेवोल्यूशन, सेमीकंडक्टर सेक्टर, वो इस कंट्री में नहीं आ पाया है। जो आज की तारीख में इलेक्ट्रॉनिक जितना भी मामला हो रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक की इस तरह से ना हो कि हम दूसरों पर डिपेंडेंट होकर के रह जाएं। मेरा इस डिजिटल इंडिया के रेवोल्यूशन को मैं कहूँगा कि ये मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ज़्यादा जाए। जब मैन्युफैक्चरिंग बेशक उसमें इंजीनियर्स लगे या उसके अंदर पढ़े लिखे लोग लगे, लेकिन उसकी जो आदमी की जो अपनी परचेस करने की जो पावर बढ़ेगी, आदमी की जो अपनी एक क्षमता बढ़ेगी, वो क्षमता बहुत आगे तक जो है अपने आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को, अपने आप डिजिटल इंडिया को कि उसको यूज़ करने को ले जाएगी। हम दूसरों के बनाए हुए सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं, दूसरों के बनाए हुए सॉफ्टवेयर के ऊपर आगे फर्दर उस पर कुछ इनोवेटिव या डेवलपमेंट कर रहे हैं। क्या ऐसा भी कुछ है कि कोई कह सकता है कि साहब हिंदुस्तान में ये एक इनोवेशन आईटी के फील्ड में मैन्युफैक्चरिंग में हुआ है? अगर कोई हमने सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर लिया, कोई आगे सॉफ्टवेयर में आगे बढ़ गए तो उसका बेस तो हार्डवेयर ही है, और कल वो हार्डवेयर ही बनेगा। कितने सारे जब मैं प्रोजेक्ट देखता हूँ जब बना उसका सॉफ्टवेयर डेवलप करना शुरू किया तो उसका ये हार्डवेयर था, साहब अब ये हार्डवेयर आ गया है इस पे तो ये सॉफ्टवेयर ही नहीं चलेगा। विंडोज एक्सपी से विंडो 8 आया, 8.1 आया, विंडो 10 आ रहा है, एक के बाद एक जो है काम करने वाले को उसके ऊपर किस तरह से आगे डेवलपमेंट करने वाले को कितनी दिक्कत होती है। मैं तो रोज किस तरह के ऐसे प्रोजेक्ट देखता हूँ, और सिक्योरिटी का कंसर्न तो इतना बड़ा है कि आज की तारीख में अगर कहीं सेंसर से आपकी लोकेशन 15 डिग्री ईस्ट या 16 डिग्री साउथ क्या है मालूम पड़ सकती है, सेंसर्स कहीं भी लग सकते हैं, कहाँ से किसी इन्फॉर्मेशन जा सकती है। तो फोरम जरूर बहुत छोटा है लेकिन इस बात को जरूर ये बहुत अपने तरीके से पहुँचा सकता है जहाँ जहाँ पहुँचनी हो कि साहब पॉलिसी मेकर्स, डिसीजन मेकर्स अब यूज़ करने पर सिर्फ भोग पर ना जाएँ, भोग के अलावा उस भोग करने के लिए कम से कम उतनी क्षमता पर जाएँ कि हम उसका भोग उस तरह से कर सकें कि आने वाले समय कि फ्यूचर जो है वो हमारा कॉम्प्रोमाइज ना हो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस फोरम को धन्यवाद देता हूं और ये आशा करता हूं कि डिजिटल इंडिया का वो वाला सपना भी कि हिंदुस्तान जो है एक हार्डवेयर, सेमीकंडक्टर और या सॉफ्टवेयर के फील्ड में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर पाएगा, संभव हो पाएगा। धन्यवाद।